पार्टी की सरकार है अब जब राष्ट्रपति का चयन करती है तो वो दलित सबको सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि हमने देश में दलित राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब एक दलित छात्र की हत्या होती है तो उसकी चर्चा न देश का प्रधानमंत्री करता है न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। विगत चार सालों में और इधर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और इनकी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो देश को वर्ग और जात में बांटने की कोशिश की है उसको हम लोगों को रोकना होगा। नौजवान साथियों, हम सभी को इस जो मतलब इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं इस पर रोक लगानी होगी। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। ये बहुत ही मानवता को संसार करने वाली घटना है। सुबह हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिलीप सरोज की माँ का वीडियो हम लोगों के सामने आया वह वीडियो बहुत ही दर्द करने वाला था। उस माँ का दर्द सोचिए, उसने सोशल मीडिया पे ये पूरा चल रहा है। उस माँ का दर्द था जिसने अपने बच्चे को किस तरीके से गरीबी से तक देखा है उसका सबसे भयानक दौर, इतना डरावना और भयानक दौर आज तक हमने देखा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या सब कुछ होता है स्फूर्त है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बड़ी गहरी साजिश है और एक प्रक्रिया थी, एक नफरत का जो बीज 1925 में इस हिंदुस्तान में बोया गया था, आरएसएस ने जो बीज बोया था आज वो बरगद का पेड़ बन चुका है, वो पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आज जब सत्ता के सिर्फ पर आरएसएस के लोग हैं तो हम देखते हैं कभी कोई अफराजुल मारा जाता है, कभी कोई गौरी लंकेश मारी जाती है, तो कभी कोई दिलीप सरोज मारा जाता है। मगर होता क्या है कि हम सब के सब खामोश बने रहते हैं। हम इंतजार करते हैं और आज भी कर रहे हैं कि कल की जो घटना है इसलिए भी बेहद दुखद है कि वो बीच सड़क पे पीट रहा होता है और वहां से लोग आ जा रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद कोई उसे बचाने नहीं जाता। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक वर्ग है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो बेहद हिंसक हैं, जो किसी को भी मार सकते हैं, मगर एक बड़ा समाज का वर्ग ऐसा है जो बेहद डरा हुआ है, जो हर बात से डरता है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, हमको जरा सोचना होगा कि आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं। हमारे गांवों में जब कोई मर जाता था तो 13 दिन का सूतक होता था, लोग शोक में शामिल होते थे, घरों में चूल्हे नहीं जलते थे जब तक उसके अंतिम संस्कार नहीं होता था। मगर ये कौन दौर आ गया है, मगर ये कौन लोग आ गए हैं जो किसी गौरी लंकेश की हत्या पर जश्न मनाते हैं, जो डर नहीं है कि बगल में पुलिस थाना है, बगल में भाजपा के पार्षद का घर है। यानी इस समाज देश में एक हिंसक वर्ग बनाया जा रहा है, एक हत्यारा समाज पैदा किया जा रहा है। यह प्रक्रिया आज की नहीं है दोस्तों, हमारी खामोशी ने इस हिंसा को, इन हत्यारों को बढ़ाने का काम किया है। याद करो 2002 का वो बाबू बजरंगी जो बेखौफ होकर, जो पूरे गर्व के साथ बताता है कि गुजरात ने किस तरह माओ के गर्भ चीर दिए त्रिशूल लेकर। हम तब भी खामोश रहे जब उस्मान को झारखंड में पीट पीट कर मार दिया जाता है। हम तब भी खामोश थे जब ऊना में कुछ दलितों को मारा जाता है। हम तब भी खामोश थे जब गौरी लंकेश की हत्या होती है। और हम अब भी खामोश हैं जब कोई प्रतियोगी छात्र जो अपना संघर्ष कर रहा होता है रोजी रोटी के लिए उसको बीच सड़क पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। तब हम इस समाज से पूछना चाहते हैं, अपने तमाम साथियों से पूछना चाहते हैं, आखिर हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? शायद मुझे लगता है हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, जब हमारे सामने वो हत्यारे खड़े होंगे। तो दोस्तों, हम कहना चाहते हैं इस वक्त का इंतजार मत करो, जरूरत है इन हत्यारों के खिलाफ खड़े हो और सोचिए, देखिए ये कौन लोग हैं जो इस पूरे मुल्क को हत्यारे गिरोहों के चंगुल में फंसा देना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं
कि जब संसद में शिक्षा का बजट कम किया जाता है तो क्यों किया जाता है? शायद इसलिए अगर नौजवान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेगा तो वो तर्कशील बनेगा, विवेकशील बनेगा, मगर वो नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं ऐसे अंधभक्त नौजवानों को बनाया जाए, नफरत की पाठशाला में पढ़ाया जाए कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो कि फेसबुक पर आज इसको गरियाना है, और वो सब धड़ धड़ करके उस व्यक्ति को गरियाने लगे। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो कि इसने हमारे मजहब का अपमान कर दिया, इसने इसका अपमान कर दिया, जाइए इसकी पीट पीट कर हत्या कर दीजिए। वो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं ऐसे हत्यारों को विश्वविद्यालय में नहीं पैदा किया जा सकता। ऐसे हत्यारों के लिए, वो बनाने के लिए वो शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय शिक्षा को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जेएनयू से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक जो छात्र इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे होते हैं, उनका दमन कर रहे होते हैं, उनको विश्वविद्यालयों से बाहर खदेड़ रहे होते हैं। इसीलिए अभी अभी पीसीएचए के तमाम साथी यहाँ आए हुए थे रोजगार मांगने के लिए, मगर जब नौजवान रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती हैं। मगर आप लोगों ने अभी देखा एक विशेष पार्टी का झंडा लेकर कुछ नौजवान मोटरसाइकिल से निकल रहे थे, ट्रैफिक नियम भी नहीं देखे, पुलिस भी ऐसी कुछ नहीं माने, हल्ला डालते हुए शोर मचाते हुए निकल गए, मगर हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। क्यों? उनको मालूम है ये जो हथियारों का गिरोह सत्ता सिर्फ पर बैठा है वो उनको संरक्षण दे रहा है। तब हमारी लड़ाई है ऐसे नफरत गर्द लोगों के खिलाफ जो इस देश को, इस समाज को हथियारा समाज बना देना चाहते हैं। हम आप लोगों से आह्वान करते हैं, इस देश और समाज के नौजवानों से कहते हैं कि आइए शिक्षा और रोजगार के सवालों पर एकजुट हुआ जाए, आइए अपने बुनियादी सवालों पर एकजुट हुआ जाए। इन नफरत की सारी दीवारों को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये नफरत आजकल अपराजुल के लिए थी, दिलीप सरोज के लिए थी, परसों आपके लिए भी आएगी। ये मुमकिन है, ये होना है, इसलिए जरूरी है कि इन हथियारों के चंगुल से बाहर निकला जाए। हम आपसे कह रहे हैं इन नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात की जाए, इन नफरत गर्दों को बताया जाए, इनको बताया जाए कि देश का नौजवान अब इन नफरत के चंगुल में फंसने वाला नहीं है। वो अपना रोटी रोजगार मांगना चाहता है, वो पढ़ाई करना चाहता है जो आप देना नहीं चाहते हैं। जब हम इन सवालों पर मजबूती से खड़े होंगे तभी इस नफरत का जवाब दे पाएंगे, तभी इस हत्या का जवाब दे पाएंगे। कल की जो घटना हुई है ना सिर्फ एक समाज, एक वर्ग के लिए, बल्कि इस देश और समाज में मानवता पर सवालिया निशान लगाती है, हमारी पूरी मानवता को संसार करने वाली घटना है। हम उस घटना के संदर्भ में यही कहते हैं, दिलीप सरोज के हत्यारों को सजा हो, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम सब अपने अपने गिरावान में झांके, हम सब अपने अपने दिल में झांके, अपने आस पड़ोस देखें कि क्या नफरत के बीज हमारे आसपास भी बोए जा रहे हैं। उस नफरत के खिलाफ हम उतना ही तेजी से बोले, हम संकल्प लें। लोगों ने किया था उसमें सांसद का भी नाम आपके सामने आया था, जिस तरीके से एसएसपी आवास में घुसकर एसएसपी के परिवार के साथ उसके साथ जाति की गई थी, उस पर हमला किया गया था, उसके परिवार को तबेले में जाकर जान बचाने का काम करने का पड़ा था। साथियों, हमने उस लिए भी धरना दिया था अम्बेडकर प्रतिमा पर जब सहारनपुर पर घटना हुई थी। हम ऐसी घटना का निंदा करते हैं और समाज में ऐसी घटना ना हो जहां ये सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास लेकर चलने वाली बात, वही कहीं ना कहीं ये सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। ये सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा, जो सुरक्षा व्यवस्था इनको करने का काम करना चाहिए था वो समाज में सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आज बलात्कार हो रहा है, नौजवानों की हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जिस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नौजवान छात्रों को मारा जा रहा है, इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारा आपका दायित्व है कि समाज के जाति वैमनस को बढ़ने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं समाज के साथ काम करना पड़ेगा। अरे बोल रहे हैं उसके बाद ही कहते हैं
साथियों हम लोग आज धरना स्थल पर बैठकर गांधी जी की प्रतिमा पर यह बताना चाहते हैं कि गांधी जी ने हम लोग को ये रास्ता दिखाया था सत्य और अहिंसा का, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों पे हम लोग जीने वाले नौजवान हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के मुख्यमंत्री से लगा के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम सभी समाज के वर्गों को लेकर चलने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार समेत जातिवादी वैमनस्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों का दायित्व है कि समाज की स्थायी को हम लोग दूर करने का काम करें। हम लोग नौजवान हैं क्योंकि नौजवानों का ये दायित्व है कि समाज में भाईचारा कायम रहे, समाज में सौहार्द कायम रहे, हम एक दूसरे का सम्मान करें। और इस सरकार को ये चेताएं कि सरकार ने जो जनता से वोट लिया है वो इस बात का वोट लिया है कि वो हमें रोजगार देंगे, हमें सुरक्षा देंगे, किसानों को उसके उपज का उचित मूल्य देने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार इन सब मामलों पर फेल होती नजर आ रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से दलित छात्र की हत्या इलाहाबाद में हुई है और सहारनपुर में जिस तरीके से दलितों को जलाया और मारा गया है, कहीं ना कहीं समाज में ऐसी वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम हम नौजवान कर रहे हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार उस परिवार को उचित मुआवजा दे, 50-50 लाख का मुआवजा देने का काम करे और उस माँ को कहीं ना कहीं उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी भी देने का काम करे। अगर ये सरकार ये काम नहीं करती है तो अभी हम लोग यहाँ पर सांकेतिक धरना देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आगे की और लड़ाई और लंबी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण। हमारे बीच में पावर विंग की
है, उस माँ को हम उसका बेटा को नहीं लौटा सकते, उस बहन को उसका भाई, उस बाप को उसका बेटा, लेकिन हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है।